आज हम एक बहुत स्पेशल जगह लेके जा रहे हैं बच्चों को। हम जा रहे हैं इन लोगों को रामलीला दिखाने। एंड बहुत सालों से हमारा मन था बच्चों को लेके जाने का रामलीला के लिए, बट कभी टाइम ही नहीं मिल पाता था, प्लस भीड़ बहुत होती है हमेशा। तो इस बार मुझे एक बहुत स्पेशल रामलीला मिली जो बच्चों के लिए है। सो वी आर रियली रियली एक्साइटेड टू टेक बोथ ऑफ देम देयर। एंड क्योंकि बच्चों के लिए है तो बच्चों के हिसाब से उन्होंने चीज़ें मैनेज कर रखी है। बड़ी एक्साइटिंग है, अभी चलेंगे ना, आप लोग भी देखना। तो बच्चों के लिए बहुत फन है, एंड बाद में रावण दहन भी होगा विदाउट फायर क्रैकर्स, बिकॉज वी आर दिवाली का द्वारपाल फैम एंड ऑब्वियसली हम फायर क्रैकर्स में बिलीव नहीं करते हैं। तो हम सब जा रहे हैं, थोड़ा दूर है तो हल्की सी रोड ट्रिप होगी। प्लस उन लोगों ने कहा है कि अरेवीर है, प्लस उन्होंने कहा है कि वहाँ खाने वाने का सीन नहीं है, बट वो एक फार्म हाउस है जिसमें हो रहा है। सो वी कैन ब्रिंग आर पिकनिक लाइक मैट्स एंड सम फूड एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो भी हमने रख लिया है। तो बस छोटू सा जो पिकनिक सा भी हो जाएगा। ऑल्दो कंपनी के जो भी करने वाले हैं, अगर वो थोड़ा सा प्लान करके अगर कुछ फूड के भी वो स्टॉल्स लगवा देते तो उनको काफी बेनिफिट होता है मुझे लग रहा है। लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने नहीं किया होगा, इसीलिए उन्होंने बोला कि सब फैमिली अपनी मैट्स अलग लेके आए ताकि सैनिटाइजेशन और इन सब का पंगा ना हो। बट चलो आजकल थोड़ा सा प्रोटोकॉल में सब थोड़ा सा ढीला तो हो ही रहा है। बट हाँ, अगर मतलब उनका फायदा तो होता ही ऑब्वियसली अगर वो स्टॉल्स लगा लेते, क्योंकि सब लोग ही खाते, इतने लोग आ रहे हैं। सो यहाँ इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन। एंड उसके अलावा जो फार्म है जहाँ पे हो रहा है, यहाँ अदरवाइज भी आप विजिट कर सकते हो। इट्स कॉल्ड ब्रिजवासन, ब्रिजवासन था ना उसका नाम, ब्रिजवासन फार्म। एंड वहाँ पे ब्रिजवासन प्लेस का नाम है, ब्रिजवासन फार्म, ब्रिजवासन जो जगह है वहाँ पे सारे फार्म हाउसेस। तो मैं देख के बताऊंगी, मोगलीज फार्म है, बट मुझे पता नहीं है उनका ओरिजिनल वाला स्पेस है या नहीं। तो बेसिकली जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे ऐसे पेट एनिमल्स एंड स्टफ भी है, फार्म एनिमल्स हैं जिन पे बच्चे जाके उनको पेट कर सकते हैं, प्लस दे हैव स्विंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलते हैं, हमारे घर से थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा जल्दी निकले, सो होपफुली वी विल रीच ऑन टाइम। क्या हुआ हुआ फटा हुआ ना, शानवी ने फटी हुई जीन्स पहनी है, फैशन में शानवी फुल ऑन, सनग्लासेस भी पहने। हाँ अच्छा लग रहा है शानवी, वेरी नाइस। अरे इन्होंने भी पहने हुए अपने सन ग्लासेस, और हमने दिवाली के द्वारपाल की टी शर्ट्स पहनी हुई है क्योंकि यार थोड़ी मार्केटिंग तो बनती है। हाँ, एंड ऑल्सो वेलकम टू डे टू ऑफ द व्लॉग। मैंने द्वारपाल की मूछें रखी। हाँ, इन्होंने द्वारपाल की मूछें रखी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो देयर इज अ गिव अवे गोइंग ऑन ऑन ऑल डेज ऑफ दिवाली, ऑन ऑल डेज ऑफ दिवाली, 21 डेज एंड 21 गिव अवेज। ये बताने नहीं दे रहे मुझे। नाउ गिव अवे के डिटेल्स बेसिकली ये है कि 21 डेज के लिए 21 गिव अवेज होने वाले हैं। हर दिन एक नया गिव अवे होगा, एंड गिव अवे होगा एक साइंड कॉपी ऑफ द मिस्ट्री ऑफ दिवाली का द्वारपाल का। इट इज़ एक्सट्रीमली एक्साइटिंग एंड वी रियली रियली हैप्पी टू अनाउंस कि दिवाली का द्वारपाल इज स्पॉन्सरिंग द इंटायर दिवालॉग दिस ईयर। एंड आप कैसे जीत सकते हो अ साइंड कॉपी ऑफ द मिस्ट्री ऑफ दिवाली का द्वारपाल? इट्स वेरी सिंपल। हर व्लॉग में मैंने एक पासवर्ड छुपाया हुआ है, वो पासवर्ड आपको ढूंढ के कमेंट सेक्शन में लिखना है। बट ये ध्यान रखना कि पासवर्ड नहीं लिखना है, मतलब PASSWORD नहीं लिखना है, जो पासवर्ड का दिया है। जैसे लास्ट व्लॉग में पासवर्ड था आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिवालॉग सिंस अ ईयर, तो मतलब कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये लिखना है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिवालॉग सिंस अ ईयर। ऐसे ही एक पासवर्ड इस व्लॉग में भी छुपा हुआ है, एंड वो आपको ढूंढ के कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके अलावा आपको दो इंस्टाग्राम अकाउंट्स फॉलो करने हैं, एक @RGVLove और दूसरा @दिवाली का द्वारपाल। दोनों के लिंक्स और बाकी सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके साथ साथ कल के वीडियो में जो गिव अवे विनर है उसका भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आई रियली होप आप पार्टिसिपेट करोगे, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। 21 गिव अवेज हैं तो आप ज़रूर जीत सकते हो। बट अगर आपको लगे कि नहीं अभी लक नहीं ट्राई करना, मुझे बुक अभी के अभी चाहिए, तो वो आप खरीद भी सकते हो, अमेजोन पे अवेलेबल है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शानवी आपको क्या लेनी है? ये वाली ले लो। ये रहा रावण। अरे बाद में बैठ जाना, क्या खेलेंगे?
रो नहीं रहा भैया, हैप्पी हो रहा है। अंदर जाओ, अंदर 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 करो करो, जाओ जाओ, छोड़ के करो, अपने आप करो, डरो नहीं, चोट नहीं लगे, करो जल्द जल्द शुरू करो। पाओ अरे ना, शांति से करवाओ, धीरे से करवाना, ओके डर रही है करना, जब जाओ भैया के साथ चले जाओ। आपको रियल लाइफ हैमस्टर देखने हैं? वो रियल लाइफ हैमस्टर्स एंड रैबिट्स हैं, देखने हैं? आपके स्टॉय हैमस्टर है ना ऐसा? हाँ, उसमें उसमें चूहे, और उसको आड़े आड़े कर लो, और रैबिट्स हैं। और कुछ अंजी बेटा, व्हाट इज दैट? इमो। इमो इतना बड़ा कैसे होता है? इतना बड़ा ही होता है। एंड व्हाट इज दैट? दैट्स अ गिनी फाउल। व्हाट डू वी कॉल अ गिनी फाउल? टच टच टच। केज के बाहर कैसे निकल गया? किसी ने निकाला होगा बेटा। Rabbit is just sitting in a corner. You want to touch it? Is he scared of animals? And you are scared of babies? देखो ये भैया टच कर रहे हैं। ये अच्छे नहीं होते हैं। मैं भी उसने मेरा छोटी बहन का उंगली ही खाने वाला था वो। आओ चलो आगे और एनिमल्स देखें। गिनी पिग देखो, ईशानवी गिनी पिग। ब्लैक बिग इमू। ये ईशानवी को पसंद आया, इसने आड़े आड़े भी कर दिया था इनको। आप चलो 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 सैंड प्ले बाद में करेंगे। वन टू पेट तक गोट आ रही है। आजो करो करो करो। Did you like that? नहीं? नहीं। आपको करना आ रही है? नहीं। देखो पापा भैया क्या लेके आ रहे हैं, कितना सारा खाना। आपको दे करो। ऑल ऑफ देम आर शिबा गोट्स। शीप आ गई, गोट्स। पास्ता पत्ता खाती है? हाँ पत्ता खाती है, यू राइट। बनी को बनी से शायद नहीं खाते, डंकी खा सकते हैं। ओके, मैं यूजुअली बाथरूम्स में शूट नहीं करती, बट आई लाइक द फैक्ट कि इनके यहाँ बच्चों की पॉटी सीट भी थी। असली में मत मारना, दूर से प्रिटेंड। ओके मुझे पता नहीं बेबी क्यों रो रहा है। चानी आपका खदा। अरे भी, अरे भी नोट, अरे भी डोंट डू इट बेटा, दैट बैड। अब हम खेल रहे हैं, नहीं फाइटिंग नहीं करनी। हाय गुड़िया, हाय गुड़िया, गुड जॉब। हु इज नेक्स्ट? चानी जाओ। डू द चिल्ड्रन नो व्हाट डस कृष्ण भक्त? जाओ आंटी से गिफ्ट ले लो, गिफ्ट ले लो, गिफ्ट। जय श्री कृष्णा दोबारा बोल दो। से विच मंत्र डू यू नो? गुड जॉब। यू नो हाय कहो आंटी। हाय। ओ वाओ, तो पूरे सारे एक साथ है। लेट मामा ओपन इट।
माय प्लेट प्लेट नहीं है स्मॉल कटर ये कौन सा है लाइक इट हां हां तुम पापा को भी दे दे थैंक यू अच्छा ना अरे शानू मामा समझे था तीनों खाने कैसे रामलीला स्टार्ट होने से पहले उन्होंने सारे के सारे कैरेक्टर्स हमसे इंट्रोड्यूस कराए थे विच आई फेल्ट वाज रियली नाइस क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहता वरना अरे ये कौन है अरे वो कौन है तो काफ़ी सारा अच्छे से सबका इंट्रोडक्शन हुआ था. उससे पहले बच्चों से उन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे एंड बच्चों को कुछ छोटे से गिफ्ट्स दिए थे. भगवद गीता फॉर चिल्ड्रन दी थी विच वॉज रियली एक्साइटिंग. सारे कैरेक्टर्स फीमेल एक्टर्स ने ही पोर्ट्रे किए थे एक्सेप्ट रावण. रावण एक मेल एक्टर ने पोर्ट्रे किया था. उसके अलावा इन्होंने जो रामलीला है वो बहुत ही सिंपल वे में नरेट की थी ताकि बच्चों को समझना इजी हो जाए. उन्होंने शुरू में दिखाया कि कैसे राजा दशरथ और उनकी तीन पत्नियों ने भगवान जी से बच्चे मांगे एंड कैसे वो बॉर्न हुए. बस ये सीन की वजह से एक प्रॉब्लम हो गई थी कि पूरी रामलीला में ईशानवी यही पूछती रही कि बच्चे कब आएंगे बेबी कब आएगा. राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 बनेंगे राजा राम जभी तुम न बन पाओ महारानी कभी. लाइट ठीक है ये वाली लाइट से देखो 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 दूध विद बॉय. रावण के सैनिकों ने पकड़ लिया हनुमान को बंधन में जकड़ लिया उसकी पूंछ में आग लगाई. When evil was gone, a new age of peace and light was born. जय श्री राम. तो वहाँ सब बच्चों को डांस करने के लिए बोला था जब सॉन्ग चल रहा था तो हमने शानवी को भी बोला बेटा जाओ टाइम डांस कर लो. वो स्टेज पे ही जाने को रेडी हो गई थी. आई होप आप सबका दशहरा अच्छा गया हो. कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आप दशहरा पे रावण जलते हुए देखने गए थे या नहीं, या आपने क्या स्पेशल किया था दशहरा वाले दिन. अब मैं मिलूंगी कल आपको. आई होप आपने सब्सक्राइब किया हुआ है क्योंकि आगे आगे बहुत ज़्यादा अच्छे फेस्टिव फन वीडियोस आने वाले हैं और भी करवा चौथ के लिए भी दिवाली के लिए भी. चलो अब मिलते हैं कल. सी यू बाय.